नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूँ अपने YouTube चैनल झारखंड सीसी में। मैं मंतोष कुमार हाजिर हूँ नए वीडियो के साथ। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता होगा कि हम जो ऑनलाइन काम करते हैं या फिर ऑफलाइन काम करते हैं और हमें किसी तरह का कोई पेमेंट आता है किसी कंपनी से, तो उस पर जो है हमारा TDS कटता है। और वो TDS हमें तभी रिफ़ंड होता है जब हम अपना ITR फाइल करते हैं। और ITR फाइल करने के लिए हमारे पास क्या होना चाहिए, फॉर्म 26AS की जानकारी होना चाहिए हमें कि हमारा जो TDS है वो कितना कटा हुआ है और हमें कितना रिफ़ंड मिलेगा उसका। और अगर आप एक कॉमन सर्विस सेंटर संचालक है या फिर AEPS का काम करते हैं या फिर आपने CSP लेके रखा है, तो ये आपके लिए बिल्कुल मैंडेटरी है कि आपको ITR फाइल करना ही है। मैं आपको दिखा दूं कि हमने अपना जो CSC पोर्टल है वो लॉगिन कर लिया है। और जब हम यहाँ पर वॉलेट पर समरी पर जाएंगे तो हमें यहाँ एडमिनिस्ट्रेटिव TDS 2022-23 में दिख रहा है 3,724 रुपये। मतलब ये है कि ये अमाउंट मुझे रिफ़ंड मिलेगा अगर मैं ITR फाइल करूँगा। तो आज के वीडियो के माध्यम से मैं आपको बताऊँगा कि आप किस तरह से अपना ITR फाइल करने से पहले अपना जो 26AS TDS फॉर्म होता है वो देख सकते हैं कि आपका कितना TDS किस कंपनी ने कब कब जमा किया है आपके पैन कार्ड में। तो उसके लिए हमें क्या करना है, सिंपली सर्च करना है ई फाइलिंग। इसका जो लिंक है मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी डाल दूंगा। वेबसाइट पर चल जाने के बाद यहाँ पे हमें क्या करना है, अगर आपने यहाँ पे पहले से रजिस्ट्रेशन नहीं करके रखा है तो आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। और हमारा रजिस्ट्रेशन किया हुआ है तो हम यहाँ पर लॉगिन पर क्लिक करेंगे। लॉगिन पर क्लिक करने के बाद हमें यहाँ पर अपना ID और पासवर्ड डालना है। तो यूज़र ID जो है मोस्टली आपका पैन नंबर ही होता है। हमने यूज़र ID डालकर कंटिन्यू पर क्लिक कर दिया। क्लिक करने के बाद एक नया पेज खुला जिस पे हमें अपना पासवर्ड टाइप करना है। उसके पहले हम इस चेकबॉक्स को चेक कर लेंगे। हमने अपना पासवर्ड डाल लिया, अब कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे। तो जैसा कि आप देख सकते हैं हम लॉगिन हो गए हैं ई फाइलिंग वेबसाइट पे। हमें यहाँ पे काफ़ी सारे ऑप्शंस दिख रहे हैं। सबसे पहले तो है डैशबोर्ड, उसके बाद है ई फाइल। तो हमारे काम का जो है वो ई फाइल वाला सेक्शन है। ई फाइल वाले सेक्शन पर जाके हमें इनकम टैक्स रिटर्न पर कर्सर रखना है। कर्सर रखने के बाद आप देख सकते हैं व्यू फॉरम 26AS या फिर व्यू फॉरम 26AS जो कि हमारा TDS वाला पेज होता है, इस पर हम क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद हमें ये किसी अदर वेबसाइट पर रिडायरेक्ट करने के लिए कंफर्मेशन मांगेगा, तो हमें कंफर्म कर देना है। और फिर नेक्स्ट स्टेप पे हमें चेक मार्क पर चेक करके प्रोसीड पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद हमें यहाँ पे दो ऑप्शन देखेंगे, जिसमें कि पहले ऑप्शन पे हमें जाना है जिसमें लिखा हुआ है व्यू टैक्स क्रेडिट और ब्रैकेट में लिखा हुआ है फॉर्म 26AS एनुअल टैक्स स्टेटमेंट, यानी कि आपका कितना कितना कहाँ पर टैक्स कटा है उसकी जानकारी बेसिकली इसमें होती है, तो हम क्लिक कर देंगे। क्लिक करने के बाद हमें असेसमेंट ईयर पूछा जाएगा। तो आपको जिस भी असेसमेंट ईयर का भरना है, जैसे कि अभी 2023 चल रहा है तो हमारा जो असेसमेंट ईयर होगा वो 23-24 होगा। और हमें टेक्स्ट फाइल पे चाहिए या HTML में, ये हमें यहाँ पे सेलेक्ट करना होता है। तो हमें HTML फाइल में चाहिए। आप देख सकते हैं यहाँ पे कुल 5 कंपनीज है जिन्होंने हमारा TDS काटा है समय समय पे और उसे जमा कर दिया हमारे पैन कार्ड पे। सबसे पहले तो नाम है CSC ई गवर्नेंस सर्विस इंडिया लिमिटेड। इसने हमें साल भर में कितने पैसे दिए हैं, तो 1,98,863 रुपये। इस पर कि हमारा टोटल TDS कटा है 7,713 रुपये जो कि इसने जमा कर दिए हैं, ठीक है। इसी तरह से आप अदर कंपनीज़ का देख सकते हैं। CSC एकेडमी से भी कुछ पेमेंट आया है हमें, CSC ग्रामीण स्टोर से भी आया है, नियर बाय टेक्नोलॉजी से भी आया है। चूँकि मैं बैंक ऑफ इंडिया का CSP लिया हूँ तो बैंक ऑफ इंडिया से भी आया है। तो दोस्तों, फॉरम 26AS को देखने का प्रोसेस जो है वो यही था। आप चाहे तो इसे एक्सपोर्ट एज PDF करके PDF इसका जो है वो सेव कर सकते हैं। और जो आपका ITR फाइल करते हैं या फिर अगर आप CSC भी लिए और ख़ुद से फाइल करते हैं तो आप यहां से डाउनलोड करके वहां अपलोड कर सकते हैं अपने CSC पोर्टल पे। तो आशा करता हूं दोस्तों इस वीडियो के माध्यम से आपने सीख लिया होगा कि आप अपना जो है वो TDS रिपोर्ट कैसे निकाल सकते हैं, या फिर मैं सीधी भाषा में कहूँ तो फॉरम 26AS जो होता है वो आप कैसे डाउनलोड कर सकते हैं बिना किसी परेशानी के। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर कर दें। हमारे चैनल पर अगर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके जाएं। मन में किसी तरह कोई सवाल या सुझाव है तो नीचे कमेंट करें। फिर से मिलूँगा किसी अदर टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।